शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपने इन लोगों को अनाथ आश्रम की इंचार्ज की हैसियत से नहीं बल्कि माँ बनकर पाला है, इसलिए पहला हक आपका है। आया ये देखो उमा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। जीवन भर दीपक की तरह जगमगाती रहो। उमा बेटी, मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट। मेरा अरमान है तेरे गले में जल्दी ही मंगलसूत्र देखूं। अरे तुम रोने लगी? जिनके पास जबान नहीं होती वो अक्सर आंसुओं से बातें करने लगते हैं। एक बात पूछूं? पूछो। तुम अनाथ बच्चों से इतना ज्यादा प्यार क्यों करती हो? इसलिए कि मैं भी एक अनाथ हूं। मेरे पास कार, बंगला, जायदाद, बैंक बैलेंस सब कुछ है, मगर माँ बाप नहीं है। माँ नहीं है माना, लेकिन बाबूजी तो है ना? है, मगर वो बाप जैसे नहीं है। ज्योति, ज्योति माय चाइल्ड, कम हियर माय डॉटर, तुम्हें तुम्हारी नई मम्मी से मिलाता हूँ। आपने फिर शादी कर ली? करनी पड़ी बेटी, तुम तो जानती हो आज तुम्हारी स्वर्गवासी माँ का जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर एक बेटी के लिए माँ से अच्छा और क्या तोहफा हो सकता है? समझ लो ये तुम्हारी माँ का पुनर्जन्म हुआ है। अब तक आप मेरी माँ का पुनर्जन्म दो बार करा चुके हैं। मेरा क्या दोष? तुम्हारी माँ मर गई, इसके बाद की दो न जाने किसके साथ भाग गई, इसलिए चौथी शादी करनी पड़ी। अगर ये भी किसी के साथ भाग गई तो पांचवी शादी कर लूंगा। ये सब कहते आपको जरा भी संकोच नहीं होता? संकोच किस बात का? जब एक द्रौपदी पांच से शादी कर सकती है तो मैं पांच द्रौपदी से शादी क्यों नहीं कर सकता? आप इतना भी नहीं सोचते कि जिससे आप शादी करते हैं वो आपकी बेटी की उम्र की है? आखिर आप पैसे के बल पर कब तक दूसरों की जिंदगी से खेलते रहेंगे? तो क्या करूं, इन लड़कियों की माताओं के साथ शादी कर लूं? अगर ये भी मर गई या किसी के साथ भाग गई तो मैं इससे भी ज्यादा जवान लड़की के साथ शादी करूंगा, और तुम बीच में नहीं बोलोगी। अगर तुमको भी किसी बूढ़े के साथ शादी करनी है तो कर सकती हो, मैं भी बीच में नहीं बोलूंगा। डार्लिंग आओ तुम्हें बेडरूम दिखाओ। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं, ये सब अनाथ जरूर है मगर आपस में एक दूसरे का सुख दुख तो बांट लेते हैं। मेरी किस्मत तो इनसे भी बुरी है, मैं अनाथ भी हूं और अकेली भी हूं। ऐसा मत कह, मैं हूं ना तेरे साथ, भले ही मैं तेरा दुख दूर नहीं कर सकती मगर बांट तो सकती हूँ। माँ की बात, आज पहली बार मुझे तुमसे प्यार मिला है। आज से मैं तुम्हें आया नहीं सावित्री माँ कहा करूंगी, सावित्री माँ कहा करूंगी। अच्छा किया कामेश्वरी भाई जो गूंगी लड़की को उठा लाई। किसी से कुछ कहेगी इस बात का डर भी नहीं रहेगा। दे दे, हम तो जनता से कुछ मांगते ही रहते हैं। Thank you.
नहीं था तो मुझे भी खिला देती। ऐसी क्या बात हो गई जो उमा ने आत्महत्या कर ली? बेचारी गूंगी थी इसलिए बोल भी नहीं सकी। आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई? कंप्लेंट लिखा थी तो इसका पोस्टमार्टम किया जाता। मैंने तो सोचा था इसके बदन को हल्दी लगाऊंगी, इसके हाथ पांव में मेहंदी रचाकर इसे दुल्हन बनाऊंगी, फिर इसी के बदन का पोस्टमार्टम कराकर दुर्गत बना दो। नहीं नहीं, मैं इतनी कठोर नहीं हो सकती। मैंने इन सबको बेटियों की तरह पाला है, इनके लिए मैंने आज तक शादी भी नहीं की, ये मैं कैसे सह सकती हूँ? गांव में एक कहावत है कि बच्चे की लाश पर माँ से ज्यादा डायन रोती है। कामेश्वरी बाई कुछ ज्यादा ही रो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके आंसू उमा के लिए नहीं बल्कि हमें धोखा देने के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम रो भी नहीं पा रही। बताओ क्या बात है, तुम चुप क्यों हो? उमा जिंदगी भर नहीं बोल पाई, इससे ज्यादा दुख उसकी आत्मा को इस बात का होगा कि उसके मरने के बाद भी कुछ लोग गूंगे रह गए। बस ज्योति बस, भले मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए अब मैं चुप नहीं रह सकती। कामेश्वरी सचमुच डायन है, नागल है। जब इस महिला अनाथ आश्रम की कोई लड़की जवान होती है वो उसकी इज्जत का सौदा बड़े लोगों से जबरदस्ती कर डालती है। उमा इज्जतदार लड़की थी, बेइज्जत होकर जीना उसने पसंद नहीं किया, इसलिए जान दे दी। उमा की मौत मौत नहीं बगावत है जो उसके साथ खत्म नहीं होगी। अब और कोई उमा यहां बर्बाद नहीं होगी। हेलो पुलिस स्टेशन, आप इसी वक्त महिला अनाथ आश्रम आ जाइए।